प्रिय मित्रों एवं मेरे छात्र छात्राओं, मैं डॉक्टर पीके वर्मा बायोलॉजी क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूँ। सेल बायोलॉजी के पिछले 6 सेशंस में हमने सेल के टाइप्स, प्रोकैरियोट यूकैरियोट में अंतर, प्लांट और एनिमल सेल्स में अंतर पढ़ा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना और उसके बाद एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ा। साथ ही साथ हमने प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया का भी अध्ययन किया। आज हम लोग न्यूक्लियस, जिसमें कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म और क्रोमोसोम्स शामिल हैं, इन सभी का एक साथ अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग न्यूक्लियस को समझें। यूकैरियोट सेल्स में प्रोटोप्लाज्म की खोज के काफी बाद जब रॉबर्ट ब्राउन नाम के वैज्ञानिक उसे साधारण लाइट माइक्रोस्कोप से, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देख रहे थे, तो उन्होंने प्रोटोप्लाज्म के अंदर एक लगभग गोल से एरिया में हाई डेंसिटी वाला कुछ देखा। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई था, तो लगभग बीच में होने के कारण उसे न्यूक्लियस नाम दे दिया गया। इसका आकार अंडाकार या गोलाकार होता है। यह सभी यूकैरियोट सेल्स में होता है, लेकिन मैमल्स के मैच्योर आरबीसी में और हायर प्लांट के फ्लोएम में पाए जाने वाले सीव सेल्स या सीव एलिमेंट्स में नहीं पाया जाता है। यानी एक एनिमल सेल में और एक प्लांट सेल में अपवाद है, जहां पर कि मैच्योर सेल में आरबीसी एब्सेंट होते हैं। अब ये आरबीसी है, अब ये न्यूक्लियस है क्या? तो न्यूक्लियस के चारों ओर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का बाउंड्री होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म यानी प्रोटोप्लाज्म को दो भागों में बांट देता है। इसी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर धागे नुमा रचनाएं पाई जाती है, जिसे क्रोमोसोम कहा जाता है, और अक्सर इसके बीच में एक गोल बॉल की तरह भी दिखाई पड़ सकता है आपको, जिसे कि न्यूक्लियोलस कहा जाता है। अब ये देखिए, एक आर्टिस्टिक डायग्राम है जिसके द्वारा आपको न्यूक्लियस दिखलाया जा रहा है। ये पूरा का पूरा गोल, बड़ा सा बॉडी, इसका न्यूक्लियस है, जिसमें चारों ओर से एक मेम्ब्रेन का बना हुआ बाउंड्री है। यह बाउंड्री एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सिस्टर्नी के आपस में जुड़ते रहने के कारण चारों ओर से बन गया है। इसके अंदर आपको दूसरा गोल बॉल दिख रहा है, जो न्यूक्लियोलस है, और उलझे हुए ये धागे दिख रहे हैं, जो क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्रोमोसोम है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप की बात करें। पहले ही मैंने कहा कि यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सिस्टर्नी के जुटने से बना है, तो सिस्टर्नी में ऊपर नीचे दोनों तरफ दो यूनिट मेम्ब्रेन है,
इसलिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी दो यूनिट मेम्ब्रेन का बना हुआ है और कभी कभी इसके बाहरी सतह पर राइबोसोम भी जुटा हुआ पाया जाता है। अब इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच पेरी न्यूक्लियर स्पेस है, न्यूक्लियस के चारों ओर का स्पेस जो 100 से 150 एंगस्ट्रॉम चौड़ा होता है। अंदर वाले मेम्ब्रेन के ठीक नीचे प्रोटीन का बना हुआ 50 से 80 नैनोमीटर का मोटा एक न्यूक्लियर लेमिना पाया जाता है जिससे कई सारे क्रोमोसोम चिपके हुए मिलते हैं। इस पर जगह जगह ढेर सारे छिद्र बने होते हैं, न्यूक्लियर पोर्स बने होते हैं जिनका अंदर का डायमीटर 80 नैनोमीटर होता है। इन पोर्स की संख्या अलग अलग सेल में अलग अलग होती है। जिन सेल्स के अंदर न्यूक्लियस और बाहर पदार्थों का आवागमन ज़्यादा होता है उसमें इन पोर्स की संख्या भी अधिक होती है, और जहाँ न्यूक्लियस के अंदर पदार्थों का निर्माण खास करके ट्रांसफर आरएनए और मैसेंजर आरएनए का निर्माण कम होता है वहाँ न्यूक्लियर पोर की संख्या कम होती है। उदाहरण के तौर पर आप देखिए कि जिनोपस लेविस नाम के एक फ्रॉग में एक स्क्वायर माइक्रोमीटर एरिया में लगभग 60 पोर्स पाए जाते हैं और पूरे न्यूक्लियस की सतह पर 30 मिलियन पोर्स पाए जाते हैं। यह एक बहुत बड़ी संख्या है। ठीक इसके विपरीत मैमल के अलावे अन्य सभी वर्टिब्रेट्स में न्यूक्लियस वाला आरबीसी है, तो मैच्योर आरबीसी में अगर हम देखते हैं एम्फीबिया के ही मैच्योर आरबीसी में अगर हम देखते हैं तो पर स्क्वायर माइक्रोमीटर में सिर्फ 3 पोर्स है, यानी कुल पूरे न्यूक्लियस पर 150 से 300 पोर दिखाई पड़ते हैं। मैमल के सामान्य सेल्स में ये पोर 5 से 15% टोटल एरिया को कवर करते हैं, सीक्रेटरी सेल में 15% तक हो सकता है और नॉन सीक्रेटरी सेल में 5% कम से कम होता है। लेकिन कुछ प्लांट्स में और कुछ प्रोटोजोआ में 20 से 30% सरफेस पोर वाला होता है, यानी पोर का जो टोटल एरिया है वह न्यूक्लियस के सरफेस एरिया का 20 से 30% तक होता है जो काफ़ी हाई है। अब देखिए ये पोर की बनावट है, यह अटकोनिया पोर होता है, फिगर में आपको राउंड दिखलाया गया है लेकिन यह ऑक्टाहेड्रल होता है, अटकोनिया होता है। इसका इनर डायमीटर इतना सा है लेकिन बाहर से देखने पर आपको बड़ा डायमीटर लग रहा है, तो दूसरे फिगर में इसको समझिए, इनर डायमीटर है 80 नैनोमीटर तो आउटर डायमीटर दिख रहा है 120 नैनोमीटर के लगभग। इसके चारों ओर से कुछ साइटोप्लाज्मिक पार्टिकल हैं 8 एंगल पर, 8 रेडियस पर, और बीच से आर पार जाने का रास्ता बना हुआ होता है। यह इसका सेंट्रल पोर है। न्यूक्लियर पोर में ऑक्टाहेड्रल यानी अटकोनीय सिमिट्री है, प्रत्येक रेडियस पर स्पेशल प्रकार का साइटोप्लाज्मिक पार्टिकल है। जो सेंट्रल कोर है वह चारों ओर से 8 स्पोक्स से घिरा हुआ है। इन्हीं पोर से होकर पदार्थों का आवागमन होता है, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए और मैसेंजर आरएनए, ये 3 तरह के आरएनए बनते हैं न्यूक्लियस के अंदर।
इनमें मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए पोर्ट से होकर बाहर चला जाता है लेकिन वापस नहीं आता है, जबकि राइबोसोमल आरएनए अंदर में ही पड़ा रह जाता है। बाहर से कई सारे प्रोटीन आते रहते हैं, अंदर आने के बाद ये राइबोसोमल आरएनए के साथ मिलकर राइबोसोम का असेंबली करते हैं। दोनों प्रकार के सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट आरएनए का प्रारंभिक पैकिंग न्यूक्लियस के अंदर ही होता है और असेंबली के बाद ये न्यूक्लियर पोर से होकर बाहर चले जाते हैं, फिर वे वापस नहीं आते हैं। अब अंदर में क्रोमोसोम बनाने वाला केमिकल यानी डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन भरा रहता है। प्रोटोजोआ में या प्रोकैरियोट में यह ग्रेनुलर दानेदार होता है और लगभग पूरी तरह से भरा रहता है। इसे हम गिन नहीं पाते हैं क्योंकि यह एमॉर्फस है, बिना किसी रूप का दानेदार है, क्रिस्टलाइन है। और तो और आवश्यकता से कई गुना ज़्यादा संख्या में, ज़्यादा मात्रा में यह पाया जाता है, जबकि हायर प्लांट्स में, हायर एनिमल में यह धागे नुमा क्रोमोसोम का निर्माण करता है और उसी के बीच में न्यूक्लियोलस होता है। कृषि प्रोटोजोआ को आप ध्यान से देखिएगा तो न्यूक्लियोलस के जगह पर कोई दूसरा डार्क राउंड स्ट्रक्चर मिलेगा, लोग अक्सर उसको कैरियोसोम कह देते हैं। अब क्रोमोसोम पर हम बात करें तो ट्रेडिस्केंसिया नाम के एक प्लांट में पॉलन मदर सेल का स्टडी करते हुए 1859 में हॉफमिस्टर ने धागे जैसी रचनाओं को देखा और उन्हें न्यूक्लियर फिलामेंट नाम दिया। लेकिन बिना रंगे हुए इन धागों को देखना आसान नहीं है, इसलिए काफ़ी प्रयास के बाद स्ट्रासबर्गर नाम के वैज्ञानिक ने आयरन हीमाटॉक्साइलिन नाम के रंग से इन धागों को रंगने में सफलता प्राप्त किया। उन्होंने अब क्रोमोसोम की रचना, उसका बिहेवियर और माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन के विभिन्न स्टेप्स का अध्ययन किया, जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम का आज हम जानते हैं, प्रारंभिक जानकारी स्ट्रासबर्गर ने ही दिया था। आज हमारे पास इन क्रोमोसोम्स को रंगने के लिए कई सारे रंग हैं, इसलिए हम और ज़्यादा बेहतर तरीके से क्रोमोसोम को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप भी हमारे पास ज़्यादा अच्छे प्रकार के हैं, उन्नत प्रकार के हैं, इसलिए चीज़ों को ज़्यादा मैग्निफिकेशन के साथ, ज़्यादा विशालन के साथ हम देख सकते हैं। इंटरफेज में ये अत्यंत पतले धागे के रूप में इंटर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन लाइट माइक्रोस्कोप से इंटरफेज में देखना ज़रा मुश्किल लगता है। इसलिए पहले के वैज्ञानिकों ने जब ये पाया कि सेल डिवीजन के समय ये क्रोमोसोम अपीयर होते हैं और क्रोमोसोम सेल डिवीजन पूरा होते ही गायब हो जाते हैं, तो उन्होंने इंटरफेज का नाम रेस्टिंग फेज रख दिया था। उन्हें ऐसा लगा कि क्रोमोसोम का काम सेल का डिवीजन कराना है और जब सेल डिवीजन हो गया तो इनकी ज़रूरत ख़त्म हो गई। उस समय उन्हें यह अनुमान नहीं था कि यह क्रोमोसोम ही कैरेक्टर्स को और सेल के फंक्शन को, एनिमल प्लांट के फंक्शन को कंट्रोल करने वाले स्पेशल संरचनाएं हैं। अब यह नाम जो क्रोमोसोम हम लोग बार बार ले रहे हैं, यह नाम पहले नहीं था, पहले क्रोमेटिन या न्यूक्लियर फिलामेंट नाम था। बाद में यह नाम क्रोमोसोम वाल्डेयर नाम के वैज्ञानिक ने 1888 में दिया। इसका मतलब होता है
अच्छा से रंगाने वाला धागा, क्रोम मने रंग होता है, तो रंगाने वाला बॉडी, रंगाने वाला चीज, रंगाने वाली चीज क्रोमोसोम नाम दिया गया। अब आमतौर से जितने भी हायर प्लांट और एनिमल हैं उन सभी में क्रोमोसोम की एक निश्चित संख्या होती है, न ज़्यादा न कम। अगर कम या ज़्यादा हो जाए तो उसका उसके कैरेक्टर पर असर पड़ता है, अच्छा बुरा कुछ भी हो सकता है। तो हर एक स्पेसीज के लिए एक निश्चित संख्या में क्रोमोसोम पाया जाता है। जो लोअर ऑर्गेनिज्म है, प्रोटिस्टा है, यूनिसेलुलर या प्लांट किंगडम में थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा है, तो उनके एडल्ट्स में, मैच्योर सेल्स में क्रोमोसोम का एक ही सेट पाया जाता है, तो उसे मोनोप्लॉइड नंबर कहते हैं। गैमिट्स में भी एक ही सेट पाया जाता है तो वह मोनोप्लॉइड कहलाता है। और जो हैप्लॉइड या मोनोप्लॉइड प्लांट्स होते हैं उन्हें गैमिटोफाइट कहा जाता है। लेकिन सभी हायर प्लांट में और सभी एनिमल्स में क्रोमोसोम के दो दो सेट पाए जाते हैं, जिसमें एक माँ के तरफ से और एक सेट पिता के तरफ से आया है। अंदर आने के बाद दोनों एक दूसरे से पूरी तरह मिलजुल जाते हैं, तो अब इसे डायप्लॉइड सेट कहा जाता है। यानी कि लोअर प्लांट्स हैप्लॉइड होते हैं, गैमिटोफाइट होते हैं, हायर प्लांट को डायप्लॉइड या स्पोरोफाइट कहा जाता है, एनिमल को स्पोरोफाइट नहीं कहा जाता है, एनिमल को सिर्फ डायप्लॉइड कहिएगा। कुछ पौधे ऐसे भी मिलते हैं जिनमें क्रोमोसोम के 4, 6 या 8 सेट्स पाए जाते हैं, यानी पॉलीप्लॉइड होते हैं। इसी तरह से सीड बियरिंग प्लांट में एंडोस्पर्म नाम का एक विशेष टिश्यू होता है, जिसमें क्रोमोसोम के 3 सेट पाए जाते हैं, तो इन्हें ट्राइप्लॉइड कहा जाता है, एंडोस्पर्म ट्राइप्लॉइड कहलाता है। अब आप कुछ उदाहरण देखिए। फील्ड बीन यानी भीसिया फावा, इसमें डायप्लॉइड नंबर 12 है, यानी 6 पेयर्स। गार्डन पी में पाइजम सैटाइभा में डायप्लॉइड नंबर 14 है, यानी 7 जोड़ा। इसी तरह एलियम सीपा प्याज में 8 जोड़ा, कैबेज ब्रेसिका ओलिरेसिया में 9 जोड़े, रेडिस मूली में, रेफेनस सैटाइभस मूली का नाम है, उसमें भी 9 जोड़े, और पपीता कैरिसा पापाया इसमें भी 9 जोड़े हैं। भले ही इन 3 स्पेसीज में क्रोमोसोम की संख्या बराबर है, लेकिन क्रोमोसोम के बनावट, आकार, प्रकार में भारी अंतर होगा। मक्के जियामेज में 10 जोड़े, धान यानी ओरिजा सैटाइभा में 12 जोड़े, ट्राइटिकम भलगेयर में 42 क्रोमोसोम है। ये वास्तव में हेक्साप्लॉइड 6N है, जिसका हैप्लॉइड नंबर मोनोप्लॉइड नंबर 7 है। पोटैटो सोलेनम ट्यूबेरोसम में 48 क्रोमोसोम यानी 24 जोड़े, और निकोटियाना टैबैकम में भी 24 जोड़े हैं। आमतौर से क्रोमोसोम की संख्या 25 जोड़े से कम होती है, 25 जोड़े से ज़्यादा बहुत ही दुर्लभ है, कई सारे रेप्टाइल्स में, फिशेज में मिलते हैं। एनिमल्स के बीच जो कॉमन मच्छर है क्यूलेक्स पाइपियंस, 3 जोड़े क्रोमोसोम, फ्रूट फ्लाई यानी ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर में 4 जोड़े, हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका में 6 जोड़े, जो कॉमन राउंड वर्म है बड़ा वाला जोंक एस्केरिस लुब्रिक्वाइडिस उसमें 11 जोड़ा, फ्रॉग राना पाइपियंस में 13 जोड़ा, माउस में 40 यानी 20 जोड़े,
रैटस रैटस कॉमन रैट में 21 जोड़े, रैबिट में 22 जोड़े और मनुष्य में 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। होमिनिडी फैमिली के दूसरे सदस्य गोरिल्ला और चिंपांजी में 24 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अब क्रोमोसोम की रचना की बात करें तो क्रोमोसोम की रचना सेल साइकिल के साथ अलग अलग स्टेज में बदलती है, लेकिन माइटोसिस के मेटाफेज स्टेज में यह सबसे अधिक कंडेंस्ड होता है, तो प्रोफेज में यह दिखाई पड़ने लगता है और मेटाफेज आते आते यह काफ़ी कंडेंस्ड हो जाता है। मेटाफेज के लेटर स्टेज में, बाद वाले स्टेज में हर क्रोमोसोम दो दो क्रोमेटिड में विभाजित हो जाता है, तो चाहे वह एक धागे का क्रोमोसोम हो या दो क्रोमेटिड्स का बना हुआ क्रोमोसोम हो, मेटाफेज स्टेज में यह काफ़ी अच्छा, काफ़ी घना रंगाया जा सकता है। इसलिए मॉर्फोलॉजी का जितना अध्ययन किया गया है वो सब के सब मेटाफेज स्टेज में ही है। अब हम कई तरह के रंगों का प्रयोग करते हैं। जो प्रारंभिक रंग है हीमाटॉक्साइलिन, अब उसका प्रयोग साधारण टिश्यू स्टडी के लिए किया जाता है, क्रोमोसोम स्टडी के लिए नहीं किया जाता है। क्लासरूम में अक्सर एसिटोकार्माइन रंग का प्रयोग किया जाता है, लेकिन रिसर्च में क्रोमोसोम को खूबसूरत और ढंग से देखने के लिए जिम्सा, ओरसेइन और क्विनाक्रिन स्टेन का उपयोग किया जाता है। सॉरी, यहाँ पर ओरसेइन के स्पेलिंग में गलती है, ORCEIN होता है। अब क्रोमोसोम का अलग अलग हिस्सा अलग अलग तरीके से रंगाता है। कोई हिस्सा गाढ़ा रंगाता है तो कोई हिस्सा हल्का रंगाता है, तो अलग अलग तरह से रंगाने के गुण को हेटरोपिकनोसिस कहते हैं। तो इसमें जो बैंड बन जाते हैं, गाढ़े बैंड डीप कलर के, उन बैंड को जिस रंग का हमने उपयोग किया है उसके आधार पर सी बैंड, जी बैंड, ओ बैंड और क्यू बैंड कहते हैं। जब हम लोग कार्बाइन रंग यूज करते हैं तो सी बैंड, जिम्सा यूज करेंगे तो जी बैंड, और सेइन यूज करेंगे तो ओ बैंड और क्विनाक्रिन यूज करेंगे तो क्यू बैंड नाम रखा जाएगा। अब जो गाढ़े बैंड होते हैं, खूब घने, उन्हें हेटरोक्रोमैटिन कहा जाता है। यहाँ पर डीएनए और प्रोटीन खूब टाइटली पैक्ड है, इसलिए यह प्रतिक्रिया भी ज़्यादा रंग से करता है और गाढ़ा रंगाता है। चूँकि यह टाइटली पैक्ड है इसलिए इस हिस्से का डीएनए नहीं खुल सकता है और कोई भी क्रियाशील जीन इस हिस्से में नहीं पाया जाता है। पहले इसे हेटरोक्रोमैटिन को लोग समझते थे कि यहीं पर जीन बसा हुआ है। लोग कहते थे कि दीज आर द लोसाई ऑफ जीन्स, लेकिन अब यह पूर्णतः गलत है। 1960-70 के पहले की जितनी किताबें हैं उनमें आपको ये लिखा हुआ मिल सकता है कि दीज बैंड्स आर लोसाई ऑफ जीन्स, लेकिन यह गलत है। और जहाँ यह हल्का रंगाते हैं या नहीं रंगाते हैं वह यूक्रोमैटिन कहलाता है। चूँकि वहाँ पर पैकिंग बहुत ही कमज़ोर है, बहुत कम प्रोटीन पाए जाते हैं, इसलिए डीएनए आसानी से खुल जाता है और वहाँ के जीन पर आरएनए का निर्माण हो सकता है। तो फंक्शनल जीन कहाँ सिचुएटेड है, तो यूक्रोमैटिन में, और हेटरोक्रोमैटिन के जीन नॉन फंक्शनल होंगे, नहीं काम करेंगे, इसलिए उनका होना या ना होना एक समान है। अब अगर हम एक मनुष्य के, खासकर फीमेल के क्रोमोसोम को देखते हैं तो आप देखिए इसके ऊपर आपको डार्क और लाइट रीजन दिख रहा है,
क्रोमोसोम को लंबाई के हिसाब से सबसे बड़े क्रोमोसोम को सबसे पहले और छोटे क्रोमोसोम को बाद में प्लेस करते हुए 1 से लेकर 22 तक नंबर दिया गया। चूंकि यह एक फीमेल का सेल है जिसमें 2 X क्रोमोसोम पाए जाते हैं, बाद में प्लेस किया गया है, यह एक्स क्रोमोसोम बड़ा होता है 5वें और 6ठे क्रोमोसोम के बीच की लंबाई का होता है। वाई क्रोमोसोम एब्सेंट है, फीमेल में वाई क्रोमोसोम नहीं होना चाहिए, तो वाई की जगह पर खाली है। लेकिन यही आप मेल में देखते हैं तो एक्स के बगल में आपको एक वाई दिख रहा है, एक एक्स और उसके बाद एक वाई क्रोमोसोम। अब प्रत्येक क्रोमोसोम में बीच की लंबाई में कहीं एक जगह पर काफी गाढ़ा रंगाने वाला सबसे अधिक हेटरोक्रोमेटिन का बना हुआ एक चपटा सा रचना मिलता है, पतला सा हिस्सा मिलता है, जिसे सेंट्रोमियर या प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन कहते हैं। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण जगह है। इसी जगह के एक विशेष बिंदु को जिसे काइनेटोकोर कहते हैं, उस पर दोनों ओर से स्पिंडल फाइबर आकर जुड़ जाते हैं और एनाफेज में हर एक क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड को खींचकर विपरीत दिशाओं में ले जाते हैं, यानी कि सेल डिवीजन का जो सबसे आवश्यक पक्ष है कि क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो पहले एक क्रोमोसोम से 2 क्रोमेटिड बनते हैं, अब फिर दोनों में से एक जाता है एक पोल पर और दूसरा जाता है दूसरे पोल पर। तो यह काइनेटोकोर पर जाके स्पिंडल फाइबर जुड़ते हैं, इसलिए अगर सेंट्रोमियर ना रहे तो सेल डिवीजन में क्रोमोसोम का बराबर बराबर बंटवारा असंभव हो जाएगा। तो बिना सेंट्रोमियर के क्रोमोसोम का कोई भविष्य नहीं रहेगा। अब आप देखिए, मेटाफेज के प्रारंभ में एक ही धागा का जो बना हुआ क्रोमोसोम दिखेगा, मेटाफेज के बाद के अवस्था में यह 2 क्रोमेटिड में बट गया। इसका सेंट्रोमियर अभी भी गाढ़ा रंग आता है और चपटा नजर आता है, इसलिए यह प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन कहलाया और इसी पर दोनों ओर से स्पिंडल फाइबर आकर जुटते हैं। क्रोमोसोम के दोनों छोर को टीलोमियर कहा जाता है। अब किसी किसी क्रोमोसोम में एक और पतली सी जगह मिलती है जिसको सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन कहते हैं, लेकिन ये गाढ़ा नहीं रंगाता है, यहाँ पर प्रोटीन टाइटली पैकिंग नहीं करता है, इसलिए इंटरफेज में इस जगह पर डीएनए चारों ओर बिखर जाता है और बिखर कर इसके ऊपर आरएनए का निर्माण होने लगता है। तो डीएनए, आरएनए और विभिन्न एंजाइमेटिक या नॉन एंजाइमेटिक प्रोटीन के एक जगह जमा हो जाने से एक गोल बॉल जैसी रचना बनती है, इसे ही हम लोग न्यूक्लियोलस कहते हैं। इसलिए सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन को न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर या नोबडी, NOBD कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, नोबडी मतलब नथिंग नहीं हुआ, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर NOBD। अब हमारे यानी मनुष्य के क्रोमोसोम में 5 अलग अलग क्रोमोसोम हैं, 13, 14, 15, 21 और 22nd, जिसमें सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन पाया जाता है, यानी उनमें न्यूक्लियोलस का निर्माण हो सकता है। और विशेष बात यह है कि इन पांचों में सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन छोटी भुजा के ऊपर मिलता है। तो इस छोटी भुजा पर जहां पर सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन बना हुआ है, उसके बाद क्रोमोसोम का एकदम छोटा सा हिस्सा जुटा मिलता है। इस डायग्राम में यहां देखिए, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन को ऊपर क्रोमोसोम का एक छोटा सा हिस्सा जुटा मिलता है, तो उस हिस्से को सैटेलाइट कहते हैं। इसलिए ऐसे कोई क्रोमोसोम जिसमें सैटेलाइट हो
उसे सैटेलाइट क्रोमोसोम भी कहा जाता है। पहले हिस्से में देखिए, पहला वाला क्रोमोसोम में लगभग बीच में सेंट्रोमियर है तो मेटासेंट्रिक है, थोड़ा किनारे की ओर है तो सब मेटासेंट्रिक है, इसमें बहुत किनारे की ओर है तो एक्रोसेंट्रिक है, और सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन यहाँ पर होना चाहिए, जहाँ मेरा ये तीर लग रहा है वहाँ पर होना चाहिए। उसके ऊपर एक बैंड के रूप में जी वो गोल हिस्सा दिख रहा है, यही इसका सैटेलाइट है जिसे डायग्राम में यहाँ दिखलाया गया। तो फोटोग्राफ को देखने से थोड़ा सावधानी रखना पड़ता है, तभी सैटेलाइट की पहचान होती है। अब क्रोमोसोम के कितने प्रकार होते हैं, तो सेंट्रोमियर जो इसका प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन है उसके कारण क्रोमोसोम की पूरी लंबाई दो भुजाओं में बढ़ जाती है, एक को पी और दूसरे को क्यू कहते हैं। अगर ये भुजाओं की लंबाई एक समान न हो, एक छोटा और एक बड़ा हो, तो छोटी भुजा को हमेशा प्यू और बड़ी भुजा को हमेशा क्यू नाम देंगे, पी छोटा और क्यू बड़ा, और इनके बीच एक अनुपात भी निकालते हैं, पी बाई क्यू रेशियो भी निकालते हैं, जिसके आधार पर इन्हें पहचानने में ज़्यादा आसान हो जाता है। सिर्फ ये कहना कि थोड़ा छोटा और थोड़ा बड़ा, इस थोड़े का भी कोई लिमिट होना चाहिए, कितना से छोटा और कितना से बड़ा, तो रिसर्च में हमेशा इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रखा जाता है, थोड़ा और ज़्यादा वाली बात नहीं रखी जाती है। तो पहला प्रकार है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, जिसमें सेंट्रोमियर एकदम बीच में होता है, जिससे कि पी और क्यू दोनों आर्म एक समान लंबाई के हो जाते हैं, परिणाम पी बाई क्यू रेशियो बराबर 1 हो जाता है। सब मेटासेंट्रिक में पी थोड़ा छोटा है, कहा तो सेकेंड क्वार्टर में, तो सेकेंड क्वार्टर में रहने का मतलब हुआ कि पी बाई क्यू रेशियो निकालेंगे तो 1 से कम आएगा, लेकिन 1/3 से ज़्यादा वैल्यू होगा। तीसरा प्रकार है सब मेटासेंट्रिक, जिसमें सेंट्रोमियर का पोजीशन पहला क्वार्टर में चला आता है, तो ये 1/3 से कम हो जाता है, पी बाई क्यू रेशियो 1/3 से कम हो जाता है, लेकिन ये कभी 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा। अगर ये 0 हो जाए मतलब पी आर्म रहे ही नहीं, सेंट्रोमियर एकदम एक छोर पर चला आए, तो वैसी स्थिति में पी बाई क्यू रेशियो को आप 0 कहेंगे और ऐसे क्रोमोसोम को टीलोसेंट्रिक कहेंगे। मनुष्य के अंदर न तो कोई मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है और न तो कोई टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम है। जितने क्रोमोसोम हमारे अंदर हैं या तो वे सब मेटासेंट्रिक हैं या एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम हैं। अब देखिए क्रोमोसोम का सामान्य स्ट्रक्चर, हम बीच की रेखा पर सबका सेंट्रोमियर रख दिए, तो इससे आपको आर्म रेशियो निकालने में असुविधा हो जाएगी। आप पूरी लंबाई को अगर 100 स्केल में नाप लेते हैं और तब आप ऐसी स्थिति में इसका नाप फिर से सेट करते हैं, फिर से कैलकुलेट करते हैं, तो आप इस तरह से देखिएगा, तो बीच में अगर रहा तो मेटासेंट्रिक यानी पी बाई क्यू 1 हो गया, उसके बाद अगर रहा तो सब मेटासेंट्रिक, पी बाई क्यू का वैल्यू 0.33 से ज़्यादा और 1 से कम है, तीसरा रहा पी बाई क्यू जो 0.33 से कम है तो एक्रोसेंट्रिक कहेंगे, और जिसमें पी आर्म है ही नहीं उसमें पी बाई क्यू 0 हो गया तो इसको टीलोसेंट्रिक कहेंगे। तो ये चारों ग्रुप क्रोमोसोम का इस तरीके से निकाला जाता है। अब क्रोमोसोम का फाइन स्ट्रक्चर कैसे समझें, तो जब तक क्रोमोसोम के ऊपर प्रोटीन का कोट है, मोटा कोट, यानी कि वह मेटाफेज या एनाफेज स्टेज में है, सेल डिवीजन के फेज में है, आपको अंदर की चीजों का पता नहीं चलेगा। अंदर की चीजें इंटरफेज में दिखती हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी देखने में परेशानी होती है। तो ओलिंस और ओलिंस नाम के दो वैज्ञानिकों ने
प्लांट सेल्स को कल्चर मीडियम में रखा, जिसमें उन्होंने हाइड्रोजन के हायर आइसोटोप का प्रयोग किया और तब उन्होंने क्रोमोसोम को पतले पतले धागों के रूप में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया। उन्होंने जगह जगह पर गोल गोल दाने जैसी रचनाएं देखी, जिसे न्यूक्लियोसोम नाम दिया गया। अब उस समय उनका अनुमान था कि इस न्यूक्लियोसोम का आकार एकदम गोलाकार होता है और इसका डायमीटर 140 एंगस्ट्रॉम होता है। इस अनुमान के आधार पर उन्होंने कहा कि इसमें दो चक्कर डीएनए का है, जिसमें लगभग 200 बेस पेयर्स पाए जाते हैं। लेकिन थोड़ी ही दिन के बाद पहला मॉडल 1975 में आया और दूसरा मॉडल 1979 में। उस समय मैं बीएससी का एग्जामिनी था, इसलिए बीएससी के दौरान मुझे इस मॉडल का कोई ज्ञान नहीं था। तो उली ने बताया कि नहीं, इसका डायमीटर 110 एंगस्ट्रॉम है, कम है। 140 की जगह पर 110, तो 200 बेस पेयर के जगह पर उसकी संख्या घट के डीएनए की हो गई 166 बेस पेयर, और मोटाई इसका 60 एंगस्ट्रॉम है, यानी यह एक इलिप्टिकल ग्रेन्यूल है। तो आप डायग्राम के थ्रू उस बात को समझिएगा। अब यह न्यूक्लियोसोम का निर्माण प्राइमरी पैकिंग डिवाइस कहलाता है, जहां जहां डीएनए आरएनए का निर्माण नहीं करता है वहां न्यूक्लियोसोम बना हुआ रहता है, और जब आरएनए बनाना होता है तो इसका प्रोटीन हट जाता है, डीएनए खुल जाता है और फिर उससे आरएनए बनने लगता है। इसी तरह जब डीएनए का भी सिंथेसिस होता है तो सिंथेसिस के समय न्यूक्लियोसोम खुल जाता है, डीएनए सीधा हो जाता है, विभाजित होता है, फिर उस पर पुनर्निर्माण होता है, यानी रिप्लिकेशन होता है, और जिस एरिया में रिप्लिकेशन पूरा होता है तुरंत वहाँ पर न्यूक्लियोसोम बन जाता है। इसके बनने के कारण क्रोमोसोम की लंबाई में 80% की कमी आ जाती है, 1/5 लेंथ हो जाता है। अब न्यूक्लियोसोम में 8 मॉलिक्यूल प्रोटीन के होते हैं, जो 4 प्रकार के होते हैं, H2A, H2B, H3 और H4। ये हिस्टोन प्रोटीन के H2A और H2B एक समान मॉलिक्यूलर वेट के हैं, लेकिन H2A में और H2B में अमीनो एसिड में फर्क है। H2A में आर्जिनिन ज़्यादा है, लाइसिन कम, जबकि H2B में आर्जिनिन कम है और लाइसिन ज़्यादा है। तो 4 प्रकार के ये प्रोटीन दो-दो की संख्या में बीच में एक कोर बनाते हैं, सेंटर बनाते हैं, जिसके चारों ओर डीएनए लिपटा रहता है। तो आज के मॉडल के हिसाब से 166 बेस पेयर लंबाई के डीएनए 2 चक्कर में लपटे होते हैं। H1 हिस्टोन बाहर से इस लपेटन को पकड़ने में काम आता है। अगर इस H1 को हटा दिया जाए तो चक्करों की संख्या 2 से घटकर 1.5 हो जाती है, और ऐसी स्थिति में डीएनए की संख्या भी घटकर 146 बेस पेयर्स हो जाती है। 166 की जगह पर 146 बेस पेयर्स हो जाती है। अब देखिए, मान लीजिए कि ये क्रोमोसोम है, मेटाफेज में आपको ऐसा दिखा, इसके अंदर डीएनए पैक है। इस फिगर में एक ही डीएनए दिखलाया गया है, जबकि यहाँ पर डीएनए 2 होना चाहिए। मेटाफेज में हर एक क्रोमोसोम में 2 डीएनए होता है, जो सेंट्रोमियर पर अविभाजित होता है, और जहाँ सैटेलाइट है वहाँ छोटा सा हिस्सा, जहाँ सेंट्रोमियर है वहाँ पर भी देख रहे हैं ये छोटा सा पतला सा दिखलाया गया, ये सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन दिखलाया गया। इस फिगर में 2 सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन दिखलाया गया है।
अब सारा प्रोटीन हम हटा देते हैं, बाहर से प्रोटीन का पूरा खोल हटा देते हैं, तो लेट मेटाफेज में जो दो क्रोमेटिड आपको दिखाई पड़ता है वह इस तरह से धागों के गुच्छे के रूप में बना हुआ विकसित होता है। इस तरह के गुच्छे को स्कैफोल्ड कहा जाता है। इसके एक हिस्से को बड़ा करके देखिएगा तो बड़ा बड़ा गोल गोल बीड दिखेगा, जिसको सोलेनोइड कहा जाता है। इसका 300 एंगस्ट्रॉम डायमीटर होता है और सीधे धागे के ऊपर इस तरह से इलिप्टिकल आकार में न्यूक्लियोसोम बने हुए दिखाई पड़ते हैं। ये सीधा धागा में देखिए ये न्यूक्लियोसोम बना दिख रहा है। अब दो न्यूक्लियोसोम के बीच 200 से 500 बेस पेयर्स लंबाई का डीएनए मिलता है, जिसको लिंकर डीएनए कहा जाता है, जोड़ने वाला डीएनए। अब यहां देखिए, अगर इसको गोलाकार माना जाए तो 140 एंगस्ट्रॉम का डायमीटर पहले माना गया था। आपको स्पष्ट दिख रहा है कि 8 प्रोटीन के मॉलिक्यूल किस तरह से अंदर में सजे हुए हैं। बाएं तरफ के न्यूक्लियोसोम में नंबर लिखा हुआ है H2A, H2B, H3, H4। बाहर से ये H1 है जो पीला कलर में दिखलाया गया आपको, और इसके बीच का ये लिंकर है, यहाँ पर लंबाई कम दिखलाई गई है। आज के मॉडल के हिसाब से ये इस तरह का होगा, इलिप्टिकल, एक एंगल पर चपटा और दूसरे एंगल पर वृत्ताकार। तो 166 बेस पेयर बगल में लिखा हुआ है। अगर हम H1 हिस्टोन प्रोटीन को हटा देते हैं, उस पीला वाले प्रोटीन को हटा देते हैं, तो ये डेढ़ चक्कर इस तरह से बन जाएगा। तो चौड़ाई देखिए, 60 एंगस्ट्रॉम मोटाई और 110 एंगस्ट्रॉम चौड़ाई है, जिसमें 146 बेस पेयर दिख रहे हैं। जब आप गार्डनर की किताब उलटाइएगा तो बाहर या पीछे किधर से किसी भी ओर से आप जब उलटाइएगा तो आपको क्रोमोसोम का विस्तृत मॉडल, जिसका कुछ हिस्सा आपको यहाँ दिखलाया गया है, वो मिलेगा। कहते हैं जब तक क्रोमोसोम को हम ठीक से नहीं समझते हैं, हम सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स समझ ही नहीं सकते हैं। बिना क्रोमोसोम के नो जेनेटिक्स, नो सेल बायोलॉजी। अब यहाँ देखिए, ऐसा क्रोमोसोम जो आपको दिख रहा है, इसी के धागे को हम खोलते जाते हैं तो धीरे धीरे यह खुलते हुए न्यूक्लियोसोम में कन्वर्ट कर गया, और न्यूक्लियोसोम को भी अगर खोल देंगे तो यह डीएनए हो जाएगा। यहाँ देखिए 111 nm लिखा हुआ है, 11 nm का मतलब हुआ 110 एंगस्ट्रॉम। तो डायमीटर कितना लिया गया, 110 एंगस्ट्रॉम, यह ध्यान रखिएगा। अब जीवन फेज में क्रोमोसोम सबसे अधिक फैला हुआ होता है, इसलिए सबसे अधिक पतला भी होता है। यही कारण है कि सिर्फ हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसको देख पाते हैं। तो इस समय अधिकांश न्यूक्लियोलस खुल जाता है, अधिकांश न्यूक्लियोसोम खुल जाते हैं, जिससे अधिक से अधिक जीन काम कर सकें। और जब आरएनए सिंथेसिस होते जाता है, जिस हिस्से में सिंथेसिस नहीं करना है, सिंथेसिस को रोकना है, वहाँ पर फिर न्यूक्लियोसोम बन जाया करता है। इसी तरह एस फेज में जब डीएनए रिप्लिकेशन होता है, तो उस समय भी जहाँ पर डीएनए रिप्लिकेशन होना होता है वहाँ न्यूक्लियोसोम खुल जाता है और बाकी हिस्से में ये फिर से बन जाता है। G2 फेज में आकर सोलेनोइड का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। पहले लोग कहते थे कि न्यूक्लियोसोम के बाद सोलेनोइड और सोलेनोइड के बाद सुपर सोलेनोइड बनता है, लेकिन अब कहते हैं नहीं, सुपर सोलेनोइड यानी गांठ से बड़ा गांठ नहीं बन रहा है, उसकी जगह पर यह उलझा हुआ, फैला हुआ, चारों ओर बिखरा हुआ धागा बनता है, जिसे स्कैफोल्ड कहते हैं। तो सिंपल डीएनए से स्कैफोल्ड बनने तक की घटना और प्रोटीन के लेयर पर लेयर बनाए जाने के कारण जो लंबाई में एकदम छोटा और मोटाई में ज़्यादा गाढ़ा रंगाने वाला धागा बनता है, यानी क्रोमोसोम बनता है, तो इस क्रिया को क्रोमोसोम कंडेंसेशन कहते हैं, यानी क्रोमोसोम का संघनन कहते हैं। यह कब होता है, तो G2 फेज में होता है। तो जब हम लोग सेल साइकिल पढ़ेंगे तो फिर से हम लोग
जीवन क्या होता है, एस क्या होता है, जीटू फेज क्या होता है, और माइटोसिस के फेज में क्या क्या दिखता है, कैसा क्रोमोसोम होता है, फिर से हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो दोहरा कर पढ़ने के बाद क्रोमोसोम का कंसेप्ट आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा। अब कंडेंसेशन के कारण लंबाई घटकर 1/200 और मोटाई बढ़कर 2000 टाइम्स ज्यादा हो जाती है, इसलिए यह साधारण माइक्रोस्कोप से भी दिख जाता है। अब न्यूक्लियोलस की बात करें तो पहले ही हमने कहा कि सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन पर लूज पैकिंग होता है, इसलिए डीएनए बिखर जाया करता है। सबसे पहले बारबारा मैक्लिंटॉक ने 1934 में न्यूक्लियोलस को देखा था। उन्होंने कहा कि प्रोफेज में यह धीरे धीरे डिजपियर हो जाता है, मेटाफेज में नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन टीलोफेज के बाद फिर से यह दिखाई पड़ता है, यानी इंटरफेज में गायब हो जाना और डिवीजन फेज में फिर इंटरफेज में दिखना और डिवीजन फेज में फिर गायब हो जाना, यह जो है न्यूक्लियोलर साइकिल कहलाया, न्यूक्लियोलस का चक्र। लेकिन गायब क्यों हो गया और दिखाई क्यों पड़ा, तो इंटरफेज में जब सारे जीन एक्सप्रेस होते हैं, आरएनए बनते रहते हैं, तो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन का डीएनए चारों ओर फैलकर राइबोसोमल आरएनए का निर्माण करने लगता है। इसके ऊपर राइबोसोमल आरएनए बनाने वाले जीन की संख्या कम से कम 100, आमतौर से 200 से लेकर 400 तक होती है, जो दाएं बाएं किसी भी दिशा से आरएनए का निर्माण करते हुए दिखता है। इसलिए डीएनए आरएनए का बंच न्यूक्लियोलस के रूप में, गोल बॉल के रूप में आपको दिखाई पड़ता है। अंदर सेंटर की ओर फाइब्रस स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है, यानी डीएनए और आरएनए के धागा दिखाई पड़ते हैं, तो फाइब्रिलर जोन कहलाता है। और बाहर जहां आरएनए का पैकिंग हो रहा है, राइबोसोमल आरएनए से राइबोसोम बन रहा है, वो ग्रेनुलर जोन कहलाता है। तो जब यह सेल डिवीजन फेज में आता है तो पहले ग्रेनुलर जोन गायब हो जाता है, फिर फाइब्रिलर जोन भी गायब हो जाता है। क्यों? तो डीएनए अंदर खिंचाकर जब प्रोटीन में पैक होने लगता है तो ये सारे जोन धीरे 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 अंदर की ओर चले जाते हैं, और इसलिए इनका दिखाई पड़ना बंद हो जाता है। अब राइबोसोमल आरएनए पहले एक बड़ा सा प्रो आरएनए के रूप में बनता है, जो कटकर 28S, 18S और 5.8S यानी तीन टुकड़ों में बढ़ जाता है, 28, 18 और 5.8। एक और होता है 5.0S, जो न्यूक्लियोलस के अंदर नहीं बनता है, वह कहीं और बनता है, नन न्यूक्लियोलर रीजन में कहीं और बनता है। तो राइबोसोमल आरएनए बनाने के कारण यूकैरियोट के किसी न किसी क्रोमोसोम पर सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन अवश्य पाया जाएगा, कोई न कोई एक जोड़ा क्रोमोसोम का जरूर ऐसा होगा जिस पर सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन होगा और न्यूक्लियोलस का निर्माण होगा। अब एंटामीबा को अगर हम देखते हैं हाई मैग्निफिकेशन पर, तो न्यूक्लियोलस के बदले उसमें एक डार्क रंग आने वाला कैरियोसोम दिखाई पड़ता है। ये देखिए न्यूक्लियोलस है, इसका अंदर धागा जैसा हिस्सा है, तो कहे पार्स फाइब्रोसा यानी धागा नुमा रचना, और बाहर जो दानेदार है उसको नाम दिया गया पार्स ग्रेनुलोसा, दानेदार रचना है। तो पार्स फाइब्रोसा में डीएनए आरएनए का धागा और पार्स ग्रेनुलोसा में प्रोटीन के दाने दिखेंगे। और ज्यादा मैग्निफाई करते हैं तो इस तरह से आपको डीएनए बिखरा हुआ दिखेगा, गुच्छा बनाए हुए दिखेगा। ये देखिए और भी फाइन स्ट्रक्चर है जहां डीएनए दोनों ओर दाएं बाएं बिखर चुका है, और इसमें कई क्रोमोसोम के सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन लूज हुए हैं। ये सब एक जगह जमा होकर न्यूक्लियोलस का निर्माण करते हैं। अब न्यूक्लियोलस के अंदर तो मान लिया कि राइबोसोमल आरएनए बनता है,
लेकिन अन्य भी कोई और प्रो आरएनए बनता है किसी मैसेंजर आरएनए या किसी ट्रांसफर आरएनए के लिए प्रो आरएनए बनता है, तो वह भी न्यूक्लियोलस के अंदर आता है, न्यूक्लियोलस के पास आता है, और वहाँ भी उसमें काटने छाँटने टेलरिंग करने यानी स्प्लाइसिंग होने की क्रिया होती है, क्योंकि जो एंजाइम डीएनए के आरएनए के फालतू हिस्से को काट छाँट सकता है, काम वाले हिस्से को जोड़ सकता है, वो सबके सब एंजाइम न्यूक्लियोलस में पाए जाते हैं, वहीं पर अधिक से अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए सारे के सारे प्रो आरएनए न्यूक्लियोलस में आते हैं और वहीं पर उनका प्रोसेसिंग होता है, जिसको टेलरिंग या स्प्लाइसिंग कहा जाता है। तो इस तरह से आपने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमोसोम और न्यूक्लियोलस के विषय में पढ़ा। अब अगले सेशन में हम लोग आदमी के कैरियोटाइप का अध्ययन करेंगे और कुछ विशेष प्रकार के स्पेशल टाइप के क्रोमोसोम का भी अध्ययन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।